Hello everyone, welcome to Sri Ram's IAS YouTube channel. This is your mentor Arzu Kakkar. I hope you all are doing well, things are fine. And इसी के साथ आज का ये सेशन शुरू करते हैं जिसमें हम बात करेंगे एक अमृत भारत एक्सप्रेस की. सो पीएम मोदी टू फ्लैग ऑफ फर्स्ट अमृत भारत एक्सप्रेस फ्रॉम अयोध्या. तो हम जानेंगे सब कुछ अबाउट दिस ट्रेन, इसके फीचर्स, क्या कुछ नया है, क्यों ये लाई जा रही है, क्या पर्पस है, क्या ऑब्जेक्टिव है. सो वील हैव अ कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन ओवर इट. सेशन अच्छा लगता है तो प्लीज मेक श्योर दैट यू मार्क योर अटेंडेंस बाय लाइकिंग द लेक्चर. यू कैन शेयर इट विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो सो दैट अदर्स ऑल्सो नो अबाउट दिस प्लेटफॉर्म एंड वी हैव एन एक्सटेंडेड फैमिली. ऑल्सो डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन योर फीडबैक. शुरू करते हैं. जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे चीजें आपको क्लियर होती जाएंगी एंड यू विल बिल्ड दैट कनेक्टिविटी. तो बेसिकली एक आपको एक पिक्चर दिख रही होगी यहाँ पर जिस ट्रेन की हम बात करेंगे, ये वो ट्रेन है और ये आप देख सकते हो अंदर बहुत ही वेल डिजाइंड इसका पूरा फॉर्मेट है. तो ये किस लिए लाई जा रही है? आप सबने वंदे भारत एक्सप्रेस के बारे में सुना होगा, राइट? सो वहीं से ही दिस ट्रेन इज ड्रॉइंग इंस्पिरेशन. एंड यहां पर ये अमृत भारत एक्सप्रेस, इंडियन रेलवेज हैज अनवील्ड अ कंप्लीटली न्यू ट्रेन फॉर दी आम आदमी. तो बेसिकली जो लोग, जैसे आप देखते हो जो माइग्रेंट लेबर फोर्स है, उनके लिए ये पर्टिकुलर उस ऑब्जेक्टिव से कि उनके लिए जो ट्रैवल है वो आसान हो जाए, इसीलिए ये ट्रेन का जो ऑब्जेक्टिव है दैट इज कीपिंग इन माइंड द नीड्स ऑफ पैसेंजर्स हु ट्रैवल इन नॉन एसी ट्रेन्स, राइट? जैसे माइग्रेंट लेबर फोर्स जो ट्रैवल करते हैं. सो जो अमृत भारत एक्सप्रेस है इज फॉर्मली कॉल्ड वंदे साधारण एट द डिजाइन स्टेज. ये एक पुश पुल ट्रेन है जो कि इंस्पिरेशन ड्रॉ कर रही है फ्रॉम द सेमी हाई स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस. हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी इज एक्सपेक्टेड टू फ्लैग ऑफ द अमृत भारत एक्सप्रेस फॉर सेकेंड क्लास स्लीपर एंड जनरल अनरिजर्व पैसेंजर्स. तो यहां पर अभी एसी ट्रेन नहीं है, इट इज बेसिकली जैसे नॉन एसी ट्रेन्स जो में जो ट्रैवल करते हैं उनके लिए माइंड में रखते हो. यहाँ पर एक सेकेंड क्लास स्लीपर होगा, एक जनरल अनरिजर्व पैसेंजर्स के लिए बेसिकली. यहाँ पर 30th December को यहाँ हमारे प्राइम मिनिस्टर इसको फ्लैग ऑफ करेंगे. मैं इसके बारे में आपको थोड़े इसके फीचर्स बताती हूँ. यहां पर आपने एक टर्म सुनी थी, दैट इज पुश पुल टेक्नोलॉजी. पुश पुल टेक्नोलॉजी क्या है? जिसमें देखो यहां पर इसमें दो इंजन होंगे, एक होगा आगे और एक होगा पीछे ट्रेन की, राइट? तो ये जो टेक्नोलॉजी है पुश पुल की टेक्नोलॉजी, तो बेसिकली जैसे आप वो एक आगे से धक्का दे रहा है और एक पीछे से भी धक्का दे रहा है, राइट? तो उस तरीके से ये इस तरीके से काम करेगी, इधर से पुश और पुल, आगे से भी लगेगा और पीछे से भी लगेगा, जिसकी वजह से जो ये टेक्नोलॉजी पे काम कर रही है ऑब्वियसली इससे चीजें जो है और अच्छी होंगी और बेहतर होंगी. स्पीड की जब हम बात करते हैं तो वो यहां से और होगी. और यहां पर अगर आप देख रहे हो कर्व्स पे भी पहले क्या होता था, ट्रेन स्लो हो जाती थी, तो वो भी अब नहीं होगा बिकॉज ऑफ दिस पुश पुल टेक्नोलॉजी. सो अमृत भारत एक्सप्रेस के अंदर 22 कोचेस होंगे विद 12 सेकेंड क्लास स्लीपर कोचेस होंगे, 8 जनरल क्लास कोचेस होंगे फॉर अनरिजर्व पैसेंजर्स एंड 2 गार्ड कंपार्टमेंट्स. सो जो नई ट्रेन है इट विल ऑफर स्पेस फॉर डिफरेंशियली एबल्ड पैसेंजर्स एज वेल. ये जो अमृत भारत एक्सप्रेस है इट हैज वन लोकोमोटिव एट ईच एंड ऑफ द ट्रेन. जैसे कि मैं अब आपको बता ही रही हूं, इसके अंदर दिस वैप 5 लोकोमोटिव मैन्युफैक्चर्ड बाय चित्रंजन लोकोमोटिव वर्क इज ऑफ 6000 हॉर्स पावर. तो यहां पर ये जो पर्टिकुलर ट्रेन है अगर आप देखो तो पुश पुल ऑपरेशन पे ये काम करती है. पुश पुल टेक्नोलॉजी है जो यूज करी जा रही है टू रन द ट्रेन. इंजन जो है दैट विल बी एट द फ्रंट ऑफ द ट्रेन. जैसे कि मैं आपको बता रही थी ये जो इंजन है एक फ्रंट पे होगा और एक बैक पे होगा. बैक वाला वन एट द बैक विल पुश इट एंड वन एट द ट्रेन फ्रंट विल पुल द ट्रेन, राइट? तो इस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी पे ये ट्रेन जो है वो काम करेगी. अमृत भारत ट्रेन कम्स विद कुशन लगेज रैक्स. तो अगर आप यहां पर ये भी देख रहे हो जो अंदर का जो फॉर्मेट है, जो फीचर्स हैं, वो भी बहुत नए हैं, सुंदर हैं, खास हैं. सीट्स बहुत ही एस्थेटिकली डिजाइन करी गई हैं एंड जो कलर ब्लेंडिंग है और जो साथ साथ जो यहाँ पर इस ट्रेन के अंदर जो लगेज रैक्स हैं वो भी कुशन्ड होंगे. मॉड्यूलर टॉयलेट्स डिजाइन किए गए हैं. पहले क्या होता था ट्रेन के अंदर
क्या होता था, एक जर्क लगता था, अगर आपने कभी फील किया होगा जब ब्राइड के टाइम पे एक जर्क लगता है तो, लेकिन यहां पर अब क्या होगा वो भी नहीं होना. दिस पर्टिकुलर ट्रेन ऑफर जर्क फ्री राइड्स. अनदर इंपॉर्टेंट फीचर इज द सेमी परमानेंट कपलर सिमिलर टू वंदे भारत ट्रेन दैट हैव बिन यूज. तो बेसिकली उन कपलर्स के चलते वो जर्क्स जो है वो नहीं लगेंगे जब ट्रेन रुकती है या जब ट्रेन एकदम से चलती है. तो एक स्मूथ राइड एक्सपीरियंस जो है वो यहाँ पर पैसेंजर्स को मिलेगा. अमृत भारत ट्रेन्स विल बी एबल टू रन एट अ मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड ऑफ 130 किलोमीटर पर आवर. अब यहां पर पुश पुल ऑपरेशन भी है, कंट्रोल कपलर्स हैं और प्रॉपरली वेल डिजाइंड है. पुश पुल टेक्नोलॉजी पे भी चलेगी. ये इस नए ट्रेन के कुछ खास फीचर्स हैं और पीएम जो है इनको इसको इस ट्रेन को फ्लैग ऑफ करेंगे. द फर्स्ट टू, जो पहली दो अमृत भारत ट्रेन्स हैं जो चलाई जाएंगी वो होंगी अयोध्या से दरभंगा पहला, क्योंकि मैंने आपको बताया है ये माइग्रेंट लेबर फोर्स को स्पेसिफिकली ध्यान में रखते हुए ये बनाई गई है. और दूसरा बेंगलुरु से मालदा. तो ये दो जगहें जो है यहां से यहां तक ये दो ट्रेन अभी दे आर एक्सपेक्टेड टू फ्लैग ऑफ ऑन 30th of December 2023. रही बात इस ट्रेन के फेयर की, सो द अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन फेयर विल बी अराउंड 15 to 17% हायर देन द फेयर ऑफ दी सेकेंड क्लास अनरिजर्व कोचेज एंड स्लीपर कोचेज इन दी एक्सप्रेस ट्रेन्स. तो जो फेयर्स हैं वो थोड़े हाई रहेंगे गिवन की यहाँ पे जो भी पैसेंजर्स को एमिनिटीज दी जा रही है और एक फास्टर ट्रेवल एक्सपीरियंस जो है वो दिया जाएगा उसी के चलते, राइट. तो ये है पूरा अमृत भारत एक्सप्रेस जो कि अभी अयोध्या से ये ट्रेन चलेगी दरभंगा की तरफ और एक बैंगलोर से मालदा की तरफ. 30th of December को हमारे प्राइम मिनिस्टर इसको फ्लैग ऑफ करेंगे. और ये जो अमृत भारत एक्सप्रेस है इट वॉज फॉर्मली कॉल्ड वंदे साधारण. और यहां पर कीपिंग इन माइंड द नीड्स ऑफ पैसेंजर्स द माइग्रेंट लेबर फोर्स, ये ट्रेन जो है ये एक्सप्रेस जो है चलाई जाएगी. और इसके अंदर जो इसके फीचर्स हैं वो भी मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं. पुश पुल ऑपरेशन और साथ ही साथ जैसे यहाँ के मॉड्यूलर जो सीट्स हैं, जिस तरीके से यहाँ पर चार्जिंग पॉइंट्स होंगे, पूरा वेल कुशन्ड बेसिकली लगेज रैक्स हैं और साथ ही साथ जर्क फ्री राइड्स होंगी. यू हैव कंट्रोल कपलर्स ऑल्सो. हालांकि रेट जो है वो 15 से 17% हायर रहेगा. तो ये पूरा का पूरा अमृत भारत एक्सप्रेस है, राइट. उम्मीद करती हूँ आपको ये सारी बातें क्लियर हो गई हो. कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं. देखो अगर ऐसा है कि आप एग्जाम की तैयारी आप में से कोई नहीं भी कर रहा है तो भी एज अ कॉमन सिटीजन ऑफ इंडिया, दीन दुनिया में आसपास क्या चल रहा है, आपके सराउंडिंग्स में क्या चल रहा है, वो आपको मालूम होना चाहिए, है कि नहीं. तो ये चीजें ऐसी हैं चाहे एग्जाम दो चाहे नहीं दो, लेकिन पता होना चाहिए ना कि भारत में हो क्या रहा है, भारत के नागरिक हो तो यू शुड बी अवेयर अबाउट ऑल दीज थिंग्स. तो इस सेशन के लिए इतना ही. कुछ और इंपॉर्टेंट होगा तो आई डेफिनेटली शेयर विद यू. दिस इज योर मेंटर आरजू कक्कर साइनिंग ऑफ फॉर दिस सेशन. हैप्पी लर्निंग एवरीवन. ऑल द बेस्ट. टेक केयर. थैंक यू.